भाई डॉक्टर साहब मेरे पंडरी बाबा के भाई खराब क्या है इसका ये बता दे। नमस्ते मोमोज है तो भाई तीनों का साइकिल एकदम रेडी है और अभी एक सरदार जी थे जिन्होंने हमें चाय पिलाई, बोला कि भाई इनके लिए चाय जरूर बनाओ, तो ये रखे अपने कप। और अभी गुरुवाणी चल रही है तो अभी हम निकल रहे हैं भाई, क्योंकि आज थोड़ी सफर है लेकिन टाइम से निकल जाएंगे, टाइम से पहुंच जाएंगे अपना। गवर्नमेंट देती है? गवर्नमेंट नहीं, यूट्यूब मतलब वीडियो डालते हैं ना, जब लोग देखते हैं तो जानकारी के लिए मिलते हैं पैसे। तो रास्ता तुमको पता ही होगा ना? तो हाँ, मैप में गूगल पे सब देख लेते हैं। अब यहाँ से कानपुर जाओ, अब इतने बीच में रुकेंगे, कानपुर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये है उरैया, उरैया। ये भाई जी है जिन्होंने हमें कल रुकने का बताया, मतलब सारा हेल्प इन्होंने किया भाई जी, थैंक यू भाई। सुबह सुबह ना जब चैनल सब्सक्राइब कर देना तो मज़ा ही आता है यार, कि सुबह सुबह सब्सक्राइब बढ़ने लग जाते हैं भाई। एक बार हेलो कर दो भाई। ये है इटावा का रेलवे स्टेशन और जो कि गुरुद्वारे के पास में भाई, अगर किसी को स्टे करना तो आप गुरुद्वारे में रुक सकते हो, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, आपको लंगर भी दिया जाएगा। तो भाई निकल चुके हम और ये है भाई इटावा की मार्केट, यहाँ पे ये बस स्टैंड है इस गली में, सामने वाली में राइट साइड में बस स्टैंड। मतलब यार इतनी भीड़ नहीं थी कल, हम शाम घूम रहे थे ना यहाँ पे सामान लेने के लिए, तो ना यहाँ पे भीड़ थी, वैसे ही था सुनसान टाइप। और ये सुबह सुबह मार्केट खुल रही है, कुछ कुछ खुल चुकी है, बाकी सब अपने काम धंधे पे जा रहे हैं भाई। भाई अभी टाइम सिर्फ 9 बजे है और अभी से गर्मी लगना शुरू हो गई यार, पता नहीं मतलब कब तक रहेगी गर्मी। अभी तो लोकल एरिया में ना, ये तो नवंबर के महीने में भाई सर्दी इतनी मतलब खतरनाक वाली आ जाती थी, और अभी भाई इतनी गर्मी है, मच्छर वगैरह हर जगह मिलते हैं अभी। तो भाई अभी डॉक्टर साहब को ना भूख लगी है, अभी वो साइकिल खड़ी करके उधर गए रेडी पे। उधर है भाई पकौड़े, कचौड़ी, ब्रेड, जलेबी, और जलेबी उतर रही है गर्मा गर्म, ये वाले ये साइड में गर्म है। तो तबीयत खराब है अभी थोड़ी, तो मैं तो नहीं खा रहा अभी, ये अभी उधर आगे चल के कुछ हल्का फुल्का दे। उसको डर है कि ये हाईवे है ना, ये ऐसे पैक रहेगा तो साइड में कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तो लोकल वैसे आ गया, मेन वो नहीं है, एक्सप्रेस वे नहीं है कि यहाँ मिलेगा नहीं, ऐसे ऐसे मिलता रहेगा ऐसी दुकानें वगैरह। भाई डॉक्टर साहब मेरे लिए जलेबी लेके आया भाई, भूख लगी है भाई, भाई तू क्या, तूने क्या खाया जलेबी? दो ये मेरे बाद में खाने के लिए खाली नहीं रख ली है मैंने। चलो भाई धन्यवाद। जलेबी चल रही है भाई, जलेबी रहा नहीं जाता भाई। ट्रैवल करते वक्त ना एक चीज नोटिस करना, जब आपको आराम करना है, कुछ खाना पीना ना, उस समय आपको ना वो चीजें नहीं दिखेगी, ना आराम करने की जगह दिखेगी, ना खाने पीने कोई दुकान आएगा। और जब आपको ये चीज नहीं चाहिए नहीं होती, तब आपको अरे मालिक आइए बैठिए कुछ खाइए पिए, वो चीजें तब आपको और ज्यादा दिखेगी। आज तो ना डॉक्टर साहब कुछ करके मानागा, पहले जलेबी वो खाई, जलेबी और वो कचौड़ी थी, अब आ गए पंडरी बाबा के रसगुल्ले खान, उसमें पता नहीं क्या खा के आएगा। और ये भी खा के आया है, ये बिरयानी खाई इस भाई ने, बस रहने दे। वीडियो बनती रहती मतलब जो भी जगह होगा जहाँ हम जाते हैं, वो कुछ लोग जा नहीं पाते तो उनको हम दिखा देते कि भाई हमारी वीडियो देख लो तो आप भी घूम लोगे। हाँ तो वो आप सब उधर ले लेते होंगे। कहाँ तक की यात्रा आपकी? अभी ये हरियाणा से चले हैं, मतलब इंडिया कहीं भी ले, कुछ भी बनाई जहाँ भी। हरियाणा से चले हैं आप? 8 दिन हो गया। ये इनका है फॉर्म अपने लगाया, जो कल से देखा ही वो उनको खबर कर रही है। अरे जमा रात चला रहे हैं क्या नहीं मोबाइल पे, यूट्यूब वगैरह का भी नया तो नए नए लोग मिलते हैं, एक्सपीरियंस मिलते हैं, मुझे पता नहीं मिलते हैं यार उनका, अगर बाइक या कार मिलते हैं। सही बात है, मैं भी बस बस चाय पीने के लिए उठा था बस, और हम भी स्लो स्लो ट्रैवल करते ताकि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से, बाकी बस में कोई बात है बैठ जाओ तो उसमें तो स्टार्ट और एंड पॉइंट। तो भाई अभी आपने वीडियो में जिस भाई को देखा उसने ना ऐसी बातें बोली है भाई, मतलब मज़ा आ गया यार। भाई ने बोला कि भाई अगर आपको कहीं भी रुकने का या खाने पीने का कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बस कॉल कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो कहीं ना कहीं जुगाड़ बन जाएगा। अगर जहाँ तक संभव होगा भाई को लगेगा कि भाई उस एरिया में उसको उनका कोई जान पहचान वाला है, कोई यार दोस्त है, तो वहाँ पर जुगाड़ करा देंगे हमारे रुकने या खाने पीने का। बाकी कोशिश करेंगे कि भाई हम खुद ही अपना प्रबंध करते रहे आगे से आगे, जैसे गुरुद्वारा मंदिर वगैरह में। अगर हाँ हमें लगा कि भाई भाई और भाई को कॉल करके हेल्प ले लेनी चाहिए तो हम कॉल कर लेंगे भाई को। तो भाई एक सब्सक्राइबर ने ना अमरूद गिफ्ट किया है अनिल को, एक दिया था इसको, बाकी ये फिर बोला कि यार दो बंदे हो रहे तो 3 हमारे अमरूद मिल गया,
उसका कहते हैं वो खा गया। ये देखो भाई, जहाँ भी लोग जा रहे हैं लोग मिल रहे हैं, कोई जैसे स्टूडेंट है, ये भाई साहब अभी रुके हुए हैं। भाई आज तो डॉक्टर साहब रुक का नहीं मानना है, तो मानना है ना क्यों करे भी। दिखा थोड़ा गुड़ दे दिए दे, दे थोड़ा देना है। अबे तो नरम है वो। भाई डॉक्टर के चक्कर में ना, ये देखो कितना ख़राब रोड ले लिया, नहीं तो फ्लाईओवर पे जाते या पैनील खड़ा ऊपर। ये बोला यार चढ़ चढ़ के ना पैर दुखने लग गया, तो यार ये बराबर वाले रोड से चलेंगे। और ये आधा रोड तो सही है, आधा ख़राब। ये डॉक्टर की वजह था भाई, मैं नीचे ये डॉक्टर काम कराओ इसे सारे। भाई अभी हम ओरिया पहुँचने वाले हैं, और उससे तकरीबन 3-4 किलोमीटर पहले ही आपको एक साई धर्मशाला मिलेगी, जिसका 200 रुपये पर बेड रुपये रेंट है, और 40 रुपये में आप भरपेट खा सकते हो शुद्ध शाकाहारी। तो वे पहुंच चुके हैं उरिया के गुरुद्वारे में, अभी अगर पता करके आना पड़ेगा पहले। तो भाई चलते एक बार ऊपर, बन गई है बात रुकने की। अच्छा ओके धन्यवाद भाई। चलो यार वाला कुछ तो हो जाता है। तो भाई अभी जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, और गुरुद्वारे में अपना सामान सारा रख दिया भाई साइकिल से उतार के। यहाँ पे ना एक मंदिर बताया भाई साईं बाबा का, तो उसको देख के आ रहे हैं। पास में बताया 200-300 मीटर। बाकी एक तो हमें दिखा था जो रोड पे, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, जहाँ पे 200 रुपये पर बेड है और 40 रुपये पर पेट खाना मिलता है, अगर वो है तो वो तो दूर है यार। बाकी आसपास में देखते हैं एक बार, एक दो जगह बताइए देखने के लिए। टैन पे ग्रीस लगा लिया, और इसमें ना मेरे इसमें पैडल में दिक्कत चल रही थी भाई, अभी देखते हो तो गोलियाँ ख़राब है या ये पूरा वो एक्सल ख़राब है, वो तो खुलेगा तो पता चलेगा भाई, क्योंकि आवाज़ कर रही है भाई अभी से लोकल एरिया में। और पहाड़ों पे जाना तो अपना पूरा ओके करा के लेके जाऊंगा। भाई पैडल तो खुल गया इसका, ये देखो ये बड़ा बेचारा अलग अलग। अभी गोलियां तो देखेगा भाई कटी है कि क्या ख़राब है भाई, ख़राब क्या है इसका ये बता दे एक बार। यही ख़राब है, गोलियां ख़राब है, गोलियां एक बार चेक कर लो यार। हाँ भाई जो सोचा था ना उससे अलग ही हो रखा है इसमें। मतलब पूछूँगा बाद में क्या नाम है इनका, यही ख़राब है, ये दोनों तरफ से ख़राब है, साइड से भी और इस साइड से। तो भाई मेरी साइकिल के ना ये ख़राब हो चुके थे बाहर से भी, और अंदर से गोलियां कट गई थी। अभी ये भी नया डाला गोलियां भी अंदर से, और ये ना खुला नहीं था भाई एक साइड का, इसे अभी से वेल्डिंग करा के खुलवा के लेके आए हैं। तो भाई ये चाय है इन सर की तरफ से, जो न्यूज़ वालों में न्यूज़ रिपोर्टर काम करते हैं, अभी इन्होंने हमारा इंटरव्यू वगैरह लिया। अभी मज़ा आ गया यार, भाई आ चुके अपने पुराने रूप पे, और अभी लिए हैं भाई फ्राई मोमो जो मैंने कराए हैं। ये तो नहीं खाएगा, इसको खांसी हो रखी मेरी ठीक हो गई, वो भी नहीं खाएगा, मैं ही खाऊंगा उसे अकेला। इस साइड में ना बहुत ज़्यादा सस्ते मोमोज है, 20 रुपये का आटा, दो चटनी दे रखी सेम सेम। भाई गुरुद्वारे में ना हमें ये हॉल में रहने के लिए मिला है जगह, और अभी अपनी वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं भाई, सारा सामान हमने यहाँ रखा हुआ अपना। तो भाई ये व्लॉग यहीं पर, और बाकी भाई मिलते हैं आपसे कल। कल का दिमाग में दो चीज़ें, पहले देख खुद ही डिसाइड करेंगे यार क्या करना है। तो मिलते हैं भाई बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम राम।